हेलो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ बॉडी पार्ट्स नेम, जो एक छोटी सी एक्टिविटी है। इस एक्टिविटी में आपको कुछ पार्ट्स दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे हेयर है, फेस है, चेस्ट है, लेग्स है, नेक है। तो हम इनको क्या करेंगे, ये जो नाम लिख रखे हैं इनमें धीरे धीरे एक एक को ऐड करते हुए जाएंगे, जिससे हम आसानी से इनके नाम को लर्न कर लेंगे। सबसे पहले हम शुरू करते हैं हेड। हेड मीन्स सिर। सबसे पहले हम यहाँ से हेड उठाते हैं और यहाँ पे इसको ऐड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है हेयर। तो ये जो ब्लैक कलर में, आपको पता है हमारे हेड के ऊपर ही हेयर होते हैं, यानी सर पर ही बाल होते हैं, तो ये हेयर है यानी कि बाल। नेक्स्ट हम चलते हैं बालों से नीचे, क्या होता है, फेस। ये हमने यहाँ पे इसको ऐड किया है। फेस मीन्स मुंह होता है। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं आईज। आईज मीन्स क्या होती है, आंख। नेक्स्ट आईज की साइड में हम अगर देखते हैं तो ये है ईयर्स। ईयर्स मीन्स कान। नेक्स्ट ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये है नोज। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नोज। नोज मीन्स नाक। फिर जिससे ये बच्चा स्माइल कर रहा है ये है होंठ। होंठ को इंग्लिश में बोलते हैं लिप्स। लिप्स को अगर हम यहाँ पर, आपको एक छोटी सी इमेज दिख रही है, लिप्स हैं और बीच में जो टीथ दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब दांत होता है। टीथ मीन्स दांत। फिर इन्हीं लिप्स के नीचे जो टंग है, टंग मीन्स होता है जीभ, वो आपको दिखाई दे रही होगी। इसके बाद में ये जो आपको यहाँ पे आईज से नीचे दिखाई दे रहे हैं ये है चिक। चिक मीन्स गाल। नेस्ट नीचे जो छुड्डी है इसको इंग्लिश में बोलते हैं चिन। क्या बोलते हैं, चिन। नेक्स्ट अब इसके बाद में क्या आएगा, इसकी आएगी नेक। नेक मीन्स होती है गर्दन। तो हाँ, ये वाली हम इसमें ऐड कर देते हैं। ये है नेक। नेक मीन्स गर्दन, ठीक है। नेक के बाद में फिर हम ऐड करते हैं यहाँ पे शोल्डर एंड चेस्ट। ये है शोल्डर। शोल्डर मीन्स होता है कंधा, ठीक है। ये जो शोल्डर्स है इन्हें कंधे बोलते हैं। और ये जो ऊपर का हिस्सा जो दिखाई दे रहा है इसे चेस्ट कहते हैं। चेस्ट मीन्स होती है छाती, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, हैंड। हैंड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। हैंड मीन्स होते हैं हाथ। हैंड मीन्स हाथ। इसके बाद में ये दोनों ही क्या होते हैं हमारे, आपको पता है ये बॉडी पार्ट्स में दो हैंड होते हैं। हैंड से क्या क्या अटैच होता है, फर्स्ट ये जो दिखाई दे रहा है जिससे हमारा जो हैंड या हाथ जो है वो मुड़ता है दोनों तरफ, इन्हें बोलते हैं एल्बो। एल्बो मीन्स होती है कोहनी। फिर ये जो अंगूठा है इसे बोलते हैं थंब। क्या बोलते हैं इंग्लिश में, थंब। और अंगुलियों को बोलते हैं फिंगर्स, अंगुलियां, ठीक है। इसके बाद में हम चलते हैं इससे नीचे वाले पार्ट में। तो नीचे वाले पार्ट में ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है वो स्टमक। क्या है, स्टमक। स्टमक मीन्स होता है पेट। स्टमक से नीचे ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये जो ब्लैक लाइन में आपको दिखाई दे, इसे बोलते हैं वेस्ट। वेस्ट मीन्स होती है हमारी कमर। देन उसके बाद में यहाँ पे जो हिस्सा होता है उसे बोलते हैं थाइस। क्या बोलते हैं, थाई। थाई मीन्स होती है जांग। थाई से नीचे फिर आते हैं हमारे नी लेग्स आते हैं। लेग्स से पहले भी कुछ आता है, वो आते हैं नीज, हमारे नी। नी मीन्स क्या होते हैं, घुटना। घुटने हमारे दोनों, इनके नीचे हम ऐड करेंगे लेग्स को। लेग्स मीन्स होती हैं टांग या पांव। नीचे वाला जो हिस्सा होगा इसे बोलते हैं फुट। फुट मीन्स पांव। और टॉयज, ये जो नीचे पांव की जो उंगुलियां होती हैं, अंगूठे और उंगुलियां, उनको बोलते हैं टॉयज, ठीक है। तो इस तरह हमने एक एक पार्ट को ऐड करके बॉडी के अलग अलग पार्ट्स का नाम हमको याद करना है, और इसी एक्टिविटी से हम एक पजल तैयार करके धीरे धीरे इन सबको ऐड करते हुए इनके नाम लर्न कर सकते हैं। थैंक यू।